एलओसी पर भारत पाक जवानों के बीच हुआ मिठाई का आदान प्रदान। नौशेरा में पीएम नरेंद्र मोदी की जवानों संग दिवाली बांटी मिठाई। दिवाली पर दिल्ली की हवा और ज्यादा प्रदूषित, वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंची एक्यूआई। नौशेरा में पीएम मोदी ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। असम में भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर मापी गई 3.7 की तीव्रता। नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं खबरें, यानी मेरे यानी शिखा भैरोत्रा के साथ। औरैया में 5 नदियों के संगम पर विशाल दीप उत्सव मनाया गया। इसको पचनंद के नाम से भी जाना जाता है। पचनंद पर दिवाली दीप उत्सव का कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं मलियाबाद के पूर्व विधायक सिद्धार्थ शंकर ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दीपोत्सव में सीतापुर से आए शंकराचार्य प्रतिनिधि ने भी लोगों को बधाई दी। साथ ही सनातन धर्म की परंपरा को बढ़ाने के लिए 2023 में कुंभ पचनंद पर लगाने की बात कही। तो पूर्व विधायक दीपोत्सव में मौजूद हुए। औरैया में भी दीपोत्सव मनाया गया, विशाल दीपोत्सव का आयोजन किया गया। औरैया में पूर्व विधायक इसमें मौजूद भी हुए और कुंभ लगाने की बात भी कही। नंदानंद सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा से यहां पर रामवीर जी दुबे और आपके जितने भी बुजुर्ग वीरेंद्र सेंगर जी, सिद्धार्थ जी, अजय पाल जी, जितनों के नाम मैं जानता हूं और जिनके नाम अज्ञात हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आगामी 2023 की परिकल्पना के स्वरूप इस धाम को कुंभ के लिए व्यवस्थित और परिकल्पित किया जा रहा है। चंदौली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला विपणन कार्यालय में ताला जड़ने पहुंचे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने सपा नेता को ऐसा करने से रोका। डिप्टी आरएमओ अनूप श्रीवास्तव ने बातचीत में उन्होंने किसानों की बकाया के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, यदि पीड़ित किसान का गुस्सा पलट आया तो उसे जेल का पुलिस प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। वहीं सपा नेता के तेवर और किसानों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने 10 दिन बाद बकाया भुगतान कराने का लिखित आश्वासन दिया। तो सपा राष्ट्रीय सचिव ने प्रदर्शन किया, किसानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि अगर इसी तरह से सरकार अनसुनी करती रहेगी तो पुलिस प्रशासन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। फतेहपुर जनपद के किशनपुर में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एकडला में यमुना किनारे के बजरंगबली मंदिर को फूल और दीप से दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर परिसर के चारों ओर यमुना किनारे ऊंची पहाड़ियों में हर जगह दीप जलाए गए। करीब 5,100 दीपों से इस मंदिर को जगमगाया गया और इसकी सुंदरता को देखकर श्रद्धालुओं ने जय बजरंगबली के जमकर नारे लगाए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी रोशनी के साथ, 5,100 दीयों की रोशनी के साथ किस तरह से मंदिर जगमगा रहा है। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां मंदिर किनारे यमुना किनारे मंदिर में भव्य दीपोत्सव मनाया गया और दीपों से उसे सजाया गया।
दिवाली के मौके पर थानेदार चरवा ने चौकीदार को मिठाई देकर उन्हें सम्मानित किया। थानेदार के इस पहल पर चौकीदारों ने उनका गुणगान करते हुए कहा कि उनके जीवन में ये पहले थानेदार हैं जब किसी थानेदार ने उन्हें सम्मानित किया। थानेदार द्वारा चौकीदार को सम्मानित किए जाने से इस दिवाली पर चौकीदारों के चेहरे खिल उठे। रायबरेली में भारत माता मंदिर को 11,000 दीपों से सजाया गया। सई नदी के तट पर बने भारत माता मंदिर में 11,000 दीपक जले। भारत माता मंदिर फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 6 साल पहले की थी। 1 साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम ज्यादा भव्य नहीं हुआ था। हालांकि इस बार जब कोरोना लगभग ना के बराबर है और अनलॉक हो चुका है, तब इसका भव्य नजारा एक बार फिर आने वाले लोगों के मन को मोह लिया। यहाँ का भव्य नजारा देखने के लिए आए लोगों ने इस कार्यक्रम को जमकर सराहा। यहाँ पे जो भी छोटी दीपावली के दिन जो जिन लोगों ने ये अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, और जो भारत का नक्शा बनाया है और पूरे भारत के नक्शे के चारों तरफ जो दिए जलाए हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है कि लोग अपने अपने घर में दिवाली बनाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पे जो भारत माता को याद किया और ये जो नक्शा बनाया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया है। शहीद स्मारक भारत माता मंदिर रायबरेली में स्थित है, सई नदी के तट पर, इसको जलियावाला बाग भी कहा जाता है। और 11,000 दीपों से हम लोगों ने इसे सजाया है। भारत माता फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है। पिछले 6 वर्षों से हम लोग इस प्रोग्राम को निरंतर करते हैं। सुमेरपुर विकास खंड के पार रैपुरा गांव की गौशाला में गौवंशों का बुरा हाल है। भूख प्यास और अनदेखी के चलते दम तोड़ रहे गौवंश, जबकि गौशालाओं में बंद बेजुबानों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम मौजूद नहीं है। गौशाला के इर्द गिर्द कई मवेशियों के कंकाल भी पड़े दिखे, लेकिन मरने के बावजूद कब्र भी गौवंशों को नसीब नहीं हुई। तो गौवंशों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। भूख प्यास से जो गौवंश है वो अपना दम तोड़ रहे हैं और इसके बाद उन्हें कब्र तक नसीब नहीं हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। प्राइम टीवी के पूरे परिवार और मेरे यानी शिखा मेहरोत्रा की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।